हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे बॉम्बे डक, जिसे नॉर्मली हम बॉम्बिल कहते हैं। इसे हमने गोल्डन फ्राई किया है और किस तरह किया है यह हम आपको बताएंगे। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमने 10 से 12 बॉम्बिल को कट कर लिया है, बीच में से कट करके इसका कांटा निकाल लिया है। किस तरह किया यह हम आपको बताएँगे। इसे मैरिनेशन के लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। मैदे में कुछ पाउडर मसाले हैं जो ऐड करके इसे कोट करना है, और अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके इसे फ्राई करना है। ऑयल लिया हमने फ्राइंग के लिए। बॉम्बिल फिश को हमने चारों साइड से कट करके साफ करके धो लिया है अच्छे से। इसे हमने सिर्फ दिखाने के लिए आपको दो रख दिए थे, बाकी सब हमने कट करके रख दिए। कैंची से हम इसका पीछे का जो दुम का हिस्सा है इसे कट करके निकाल लेंगे पहले। उसके बाद इसके बीच में से कट करके इसको दो पीस कर लेंगे। इसके बाद इसे कैंची से बीच में से कट करके इसे ओपन करना है। इस तरह से इसे कट करते जाना है, इसे नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कट करने से ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। ये जो बीच में से अभी इसका कांटा नज़र आ रहा है, इसे हमें निकालना है। तो इसे कैंची से ही हम ऐसे कट करेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये कांटा, बहुत सॉफ्ट होता है और बड़ी आसानी से निकल जाता है ये। देखिए पूरी तरह ये निकल चुका है, इस तरह ये पूरा सेपरेट हो गया है देखिए। और इसी तरह हम दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। देखिए बीच में से इसे कट करके, और इसी तरह इसको भी, इसके भी बोन को वैसे ही कट करके निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल चुका है ये। इसी तरह हम बाकी को भी ऐसे ही कट करके सेपरेट कर देंगे। हम इस तरह इसके बोन्स निकाल के इसे फ्लैट पीसेस रेडी करना है। हमने इसी तरह सारे बॉम्बिल्स को कट करके नमक और लेमन जूस से मैरिनेट कर लिए थे, और अब हम इसे एक डिश में किचन टॉवल पर सेट कर लेंगे ताकि इसका सारा पानी इसमें सोख जाए। इसे अच्छे से सेट करें ताकि इसका सारा पानी टॉवल में सोख जाए। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो फ्राई होने के बाद हमारे बॉम्बिल क्रिस्पी नहीं रहेंगे बल्कि एकदम स्वैगी स्वैगी हो जाएंगे। हम इसे हाफ एन आवर्स के लिए ऐसे ही इस पर रख देंगे ताकि ये पानी पूरा इसमें सोख जाए। हमने यहाँ कोटिंग के लिए 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम कुछ पाउडर मसाले हैं जो हम डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। हमने यहाँ 1/2 टीस्पून चाट का मसाला ले लिया है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ले लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है यहाँ पे हमने, और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। यहाँ 2 अंडे तोड़कर बीट कर लेंगे। प्रिपरेशन हमारे सारे रेडी है। अब हम बॉम्बिल को मैदे में सबसे पहले डस्ट करेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे आगे पीछे से, पूरी तरह से इस पर डस्ट करेंगे, और इसके बाद इसे अंडे में डिप करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे ताकि फ्राई करने के बाद अच्छे क्रिस्पी हो, और ये डस्ट करने के बाद साइड में रखते जाएंगे। और इसी तरह हम सारे बॉम्बिल्स को पहले मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद अंडे में, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखते जाएंगे। हमने सारे बॉम्बिल्स को कोट कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर सकते हैं। आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 कप जितना तेल डाल देंगे फ्राई के लिए। इसे फुल फ्लेम पे गरम होने के लिए रखेंगे।
ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके बोंबिल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ख्याल है, पैन में जितनी जगह है उतने ही बोंबिल फ्राई करें, ओवर क्राउड ना करें, वरना ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसे फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, हम इसे टर्न कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये, और ये काफ़ी क्रिस्प भी हो गए हैं। वन बाय वन हम सारे टर्न कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से फ्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि ये बैक साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। बोंबिल हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। हम इसे अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम सेकेंड बैच फ्राई करेंगे, इसी तरह इसे भी फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमारे बोंबिल्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेटिंग के लिए रेडी करेंगे। फ्राइड बोंबिल को हम एक डिश में अरेंज करेंगे और इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। इसमें 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो गार्निश करेंगे। लीजिए, हमारे बोंबिल फ्राइड रेडी है गरम गरम खाने के लिए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं ये, आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।